पलवल में विधायक दीपक मंगला ने आज अमृत योजना के अंतर्गत असावता रोड से जवाहर नगर तक सीवरेज और मुख्य रास्ते के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर नगर परिषद की चेयरपर्सन इंदु भारद्वाज और नगर परिषद की उपाध्यक्ष आशा पोसवाल भी मौजूद रहीं। वहीं विधायक दीपक मंगला ने कहा कि करीब 60 लाख रुपए की लागत से इन निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया है। इस निर्माण कार्य को पूरा होने से स्थानीय लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। वहीं उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते विकास कार्य बंद हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। रामनगर में देखो कि काफ़ी समय से इस रोड की दुमा आपने भी देखी होगी किस तरह की हालत थी। सारे में सीवरेज डली है, पानी की पाइपलाइन डली है। लगभग ये 60 लाख तक की इसमें लागत आएगी। इस रोड का निर्माण कार्य आज से यहाँ शुरू हो रहा है और निश्चित तौर पर इस रोड के निर्माण से यहाँ रहने वाले सब लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। आने जाने वालों को, विशेष तौर पर जो हमारी बुजुर्ग हैं उनको सहूलियत होगी। इस बात की खुशी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, यहाँ भी अब आज से इस काम का विधिवत यहाँ शुरुआत हो गई है और ये काम ठीक होके ठीक इसकी लेवलिंग लेकर के किसी भी यहाँ किसी को कोई दिक्कत ना रहे, परेशानी ना रहो, किसी का मकान नीचे ना पड़े, किसी का मकान ऊँचा ना रहे, ये सारी बातें देख करके इसका निर्माण कार्य शुरू। बहरहाल विधायक के मुताबिक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में पलवल जिले में विकास कार्य किए जा रहे हैं। सीवरेज और रास्तों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सत्य खबर के लिए पलवल से मुकेश बघेल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।